हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेरिश लर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने रूटीन सीखा था कि कैसे हम रूटीन बताते हैं इंग्लिश में यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज की वीडियो में हम दूसरा टेंस करने वाले हैं और कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ। और गाइस, आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल्स व्हिच यू कैन रिलेट विद योर लाइफ। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। गाइस, शुरू करने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको उसका आंसर सोचना है, ठीक है? सेंटेंस है, तुमने सिमरन को थप्पड़ क्यों मारा? आंसर सोचिए इसका, क्यों मारा, रीजन सोचिए। मैंने सोचा है क्योंकि उसने मुझे गाली दी, इसने मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। किसी किसी ने सोचा होगा क्योंकि उसने मुझे गाली दी थी, या कुछ भी आप सोच सकते हैं। अब जिसने सोचा है क्योंकि उसने मुझे गाली दी इस तरीके का, तो वो सिंपल पास्ट टेंस है। और जिसने कुछ सोचा कि उसने मुझे गाली दी थी या उसने मेरा काम नहीं किया था, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में कभी भी ना था, थे, थी या है, हूँ, है, कुछ नहीं आता है एंड में। ये हमेशा ऐसे एंड होते हैं, क्योंकि उसने मेरा काम नहीं किया, उसने खाना नहीं खाया, वो खेलने नहीं गया, वो आज स्कूल नहीं गया, पापा जो ऑफिस नहीं गए, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। आ ई ए की मात्रा की साउंड आती है एंड में। ओके, ये क्लियर है। अब बात करते हैं रूल की। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सारे टेंसेज में, टोटल 12 टेंसेज में, सिंपल पास्ट इज द ओनली टेंस जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। तो रूल स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल है क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी। अब नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव मतलब नोट, और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। जैसे कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताई थी डू, डज होती है, सेम वे सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, डिड, D-I-D, डिड। तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी क्योंकि हम डिड यूज कर रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो डिड विल कम आउट, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन। और यहाँ पर अच्छी बात यह है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, डिड, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आपको यूज करना है डिड। तो ये तो बात थी रूल्स की। अब कुछ करते हैं एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए। उसने अपना रूम साफ नहीं किया, शी डिड नॉट क्लीन हर रूम। मुझे ये बुक मेरे रूम में मिली, आई फाउंड दिस बुक इन माई रूम। तुमने वो न्यू मूवी देख ली? डिड यू वॉच दैट न्यू मूवी? आज सुबह मैं बहुत लेट उठी, टुडे आई वोक अप वेरी लेट। तुमने अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लिया? डिड यू क्वालिफाई योर एग्जाम? उसने मुझे कल एक पेन दिया, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। उन्होंने गरीबों की मदद की, दे हेल्प द पुअर। भगवान ने हमें बचाया, गॉड सेव्ड अस। मीना ने एक मधुर गीत गाया, Meena sang a melodious song. तो guys, ये कुछ examples थे जो मैंने आप लोगों के साथ share किए हैं simple past tense के। आपने देखा होगा कि sentence के end में क्या आया है, कहीं पर भी था, है, कुछ नहीं आया है, हमेशा sentence ऐसे end हुआ है कि मीना ने एक मधुर गीत गाया, उसने मुझे पेन दिया, भगवान ने हमें बचाया, उसने उसकी मदद की, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो गाइज, आप लोग भी सेंटेंसेस बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी तक हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस कर चुके हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल लगी है तो शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।